लेकिन लोड नहीं हो रहा है तो भी ये प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से किसी को इश्यू आता है, सरकारी अधिकारी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, तो भी यानी कि इस डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, इसीलिए आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकार की तरफ से आपको इश्यूज आ रहे हैं। देन कम्स नॉर्थ, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण दिशा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर सक्सेस। हमारे जीवन में जो भी सक्सेस है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन से आती है। जो व्यक्ति भी अपने जीवन में कामयाबी चाहता है, वो चाहता है कि मैं हाइट पे पहुंचूं, मेरी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाए, मुझे रोज नई अपॉर्चुनिटीज मिले, मेरे कस्टमर्स बढ़े, मेरे क्लाइंट्स बढ़े, जो भी कुछ है, तो उसको अपनी ये वाली डायरेक्शन में बहुत खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। इस डायरेक्शन में कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर, कोई भी डिफॉर्मिटी हुई तो यानी कि वो अपने हाथ से, कहते ना अपने भाग्य पर ताला लगाना, वो वाला सीन हो जाता है। आप कुछ भी गलत करते हो तो अपने आप खुद अपनी ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तो अगर किसी को लाइफ में लगता है कि मेरी प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है, मेरे काम बढ़ नहीं रहा है, मुझे रोज नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यानी कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस है, कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ये इशू आ रहा है। देन कम्स, मतलब दिस हैज बीन रिसर्च अलॉट, कि जैसे हमने देखा कि जिसके इशू थे वह जाके चेक करो तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम निकली, इसीलिए उनके मेजर हेल्थ इशूज थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खांसी जुकाम बुखार, देखो वो एक जनरल सी चीज़ है, वो सबके साथ होती है, उसमें कोई इशू नहीं है। पेट दर्द, सिर दर्द, ये तो सब कॉमन सी चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप देखते हो कि चीज़ें लगातार हो रही, प्रोलॉन्ग हो रही हैं और रुक नहीं रही हैं, आपको डॉक्टर्स के हॉस्पिटल से चक्कर काटने ही पड़ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेज है, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही। दूसरा, अगर आपकी बच्चे आपकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, कितने भी आप अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, महंगे स्कूल में पढ़ा लो, लेकिन बच्चे उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है, इसी की वजह से बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। आपका घर में माहौल खराब रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, घर में शांति नहीं है, हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है, तो यानी कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस है नॉर्थ ईस्ट में। देन कम्स सेंटर, ब्रह्मस्थान, सेंटर को ब्रह्मस्थान भी बोलते हैं। ब्रह्मस्थान जो होता है वो किसी भी जगह का सेंटर प्लेस होता है, वो कोई भी बिल्डिंग हो, ठीक है, ये जनरेटर है एक तरह से, इसको जनरेटर बोला जाता है, ये सारी ही एनर्जीज को जनरेट करता है, जितनी भी डायरेक्शनल एनर्जीज होती हैं उन सबकी गवर्निंग इसी के पास होती है और जनरेशन भी इसी के पास होता है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी इसी के पास होती है। अगर ये खुला हुआ है, जैसे पुराने ज़माने में आंगन घर बनते थे तो आंगन खुले होते थे, ठीक है, चारों साइड वो बनता था, रूम्स वगैरह बीच में ओपन होता था, तो अगर ये ओपन है तो यानी कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, घर का माहौल, आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो आदमी को प्रॉब्लम्स आती है। जिन लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, पेट से रिलेटेड आदमी को प्रॉब्लम सिर्फ आदमी को आती है कि औरत को भी आती है? सर ह्यूमन बींग के लिए कोई कॉमन टर्म बता दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, या औरत आदमी का चक्कर ही खत्म हो गया। अगर किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, पेट से रिलेटेड सर्जरी होती है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट से रिलेटेड अगर किसी की यहाँ भी प्रॉब्लम है तो यानी कि उसकी इस प्लेस पर प्रॉब्लम होगी, तभी वहाँ पे इशू होता है। देखो हमारी बिल्डिंग का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी बॉडी से होता है, ये पक्का मानना, ऐसा नहीं बिल्कुल 100% होता है, जैसी बिल्डिंग होगी वैसी हमारी बॉडी, तो बॉडी अकॉर्डिंगली बनती चली जाती है बिल्डिंग के हिसाब से, तो वो प्रॉब्लम आनी ही आनी होती है। पेट से रिलेटेड इशूज है तो ये, सिर से रिलेटेड इश्यूज है जिनके ब्रेन में, सिर में दर्द रहना, ब्रेन सर्जरी, ट्यूमर, ये सब चीज़ें होती हैं, उनके नॉर्थ ईस्ट में इश्यूज होते हैं पक्के तौर पे, तभी ये चीज़ आती है। किसी को पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है,